नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 शहीद। शहीद पाठ में पत्र समाहित किए गए हैं, जिसमें एक पत्र लिखा है श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, दूसरा अश्वाकुला खां जी ने। ये दोनों ही क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण गंवा दिए। शहीद से तात्पर्य क्या है? जो अपने देश के लिए अपना प्राण गंवा दे। आज़ाद भारत में जी रहे हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों ने घर परिवार माता पिता सबको छोड़ दिया और भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। तो हम पाठ पढ़ते हैं कि सन 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, अश्फाकुल्ला खां और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया। धन और हथियार की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अश्फाकुल्ला खां और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 की शाम राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन रेल में बैठे थे। रेल जैसे ही काकोरी पहुंची, बिस्मिल और उनके साथियों ने जंजीर खींचकर रेल रोक दी और सरकारी खजाना लूट लिया और सरकारी तिजोरी ले ली, तोड़ ली। छिपते छिपाते लगभग 12 बजे घर पहुंचे। सुबह 4 बजे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ये शायद आपने एसएस में भी पढ़ा होगा। मुकदमा चला। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पूर्व उन्होंने अपनी माता को यह पत्र लिखा। 19 दिसंबर 1927 को उनको फांसी हुई। जैसे ही उनके कदम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे आकाश छूने लगे, यानी चारों तरफ भारत माता के जय घोष होने लगा। वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी गूंज रहे हैं। ये गाना आपने जरूर सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लय थोड़ी अलग सी सुनाई दी होगी, परंतु भाव वही है। तो हम पत्र पढ़ते हैं। पत्र है, यहाँ देखो दृश्य दिया गया है काकोरी कांड में, जिस तरह से तिजोरी लूटी गई थी, यानी सरकारी खजाना लूटा गया था। 16 दिसंबर 1927, कहाँ से पत्र लिखा गया? फैजाबाद जेल से। यहाँ पे हमारे वर्तमान प्रारूप के अनुसार पत्र नहीं लिखा गया है, ठीक है? तो हम हाशिए के पास से शुरू करते हैं, परंतु यहाँ पूर्व के अनुसार लिखा गया है। पत्र लिखा गया है माता जी को। पूज्य माता जी, सादर चरण वंदना। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाना है। यानी इस घटनाक्रम के बाद उनके लिए मृत्युदंड घोषित कर दिया गया था, यानी फांसी की सजा सुनाई गई थी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण कर लोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता यानी भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री यानी उनकी माता, वर दो कि अंतिम, मैं कह रहे हैं वर दो, वरदान दो, आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। यानी माता को जब ये पत्र लिखा तो ये कितना विदारक होगा, परंतु माता ने क्या किया? अपना धैर्य धारण करके रखा।
अब यह दूसरा पत्र हम पढ़ेंगे। अशफाकुल्ला खां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, जिनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष कर भारत माँ को आज़ाद कराना था। जब उन्हें काकोरी कांड में फांसी की सजा सुनाई गई, तब उन्होंने कहा कि यह एक विडम्बना है। विडम्बना होती है कि यह बड़ा ही दुखदायी बात है कि जो हमें सालों से लूटते आए हैं वे हमें लूट के अपराध में सजा सुना रहे हैं। कितना गलत था, क्योंकि उन्होंने हम पर कितने साल राज किया, 200 साल तक राज किया, यानी गुलामी की जंजीरें 200 साल तक हम पर जकड़ी रही। तो वह हमें ही लूटते आ रहे थे और हमें लूट के अपराध में सजा सुना रहे हैं। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को सजा हुई, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। अशफाकुल्ला खां ने यह पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले लिखा। वे शब्द जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बोले थे, आज भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे, मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। ये बड़े ही दृढ़ विश्वास के साथ वे बोले थे कि वतन हमारा रहे शाद काम और आज़ाद, हमारा क्या है अगर हम रहे ना रहे, तो हम रहे ना रहे लेकिन हमारा वतन सदा ही क्या रहेगा, आज़ाद रहेगा। तो यहाँ ये पत्र लिखा है उन्होंने देशवासियों को, मेरे प्यारे देशवासियों, यहाँ भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। हमारी निंदा करे या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को न सहा और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा, यह सब गलत है। हमारे कितने ही साथी आज भी आज़ाद हैं, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी भी किसी नुकसान पहुंचाने वाले तक पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि यह हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। सरकार भी अंग्रेजों की, जज भी अंग्रेजों के, फिर न्याय की मांग किससे करें। जजों ने हमें निर्दयी, बर्बर, मानवता पर कलंक आदि विशेषणों से पुकारा। हमारे शासकों की कौम ने, जनरल डायर ने नियतों पर गोली चलवाई, बच्चे, बूढ़ों, स्त्री, पुरुष सब पर दनादन गोलियां दागी गई। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था, फिर हमारे साथ ही ये सुलूक क्यों, ये प्रश्न उनकी तरफ है जो कि उनको सजा दे रहे थे, यानी फांसी की सजा सुना रहे थे, क्योंकि वे न्याय नहीं कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे। हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हो, देश के काम में साथ रहो, आपस में व्यर्थ न लड़ो। रास्ते चाहे अलग हो, लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो, अपने देश को आज़ाद कराओ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी यही कहा गया है कि एक होकर कार्य करने पर ही देश विकास कर पाएगा। देश के 7 करोड़ मुसलमानों में मैं पहला मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा है, यह सोचकर मुझे गर्व महसूस होता है। सभी को मेरा सलाम, हिंदुस्तान आज़ाद हो, सब खुश रहें। आपका भाई अशफाक। तो यहाँ अशफाकुल्ला खां ने सभी धर्म संप्रदाय के नियम और सब कुछ छोड़कर भारत, एक भारत के नागरिक होने का प्रथम कर्तव्य निभाने के लिए संदेश दिया है। मूल्य है स्वदेश प्रेम और मातृ प्रेम, त्याग और निस्वार्थ सेवा ही मनुष्य का प्रथम गुण है। शब्दार्थ है, पहला भोग विलास,
ऐश आराम, धैर्य धीरज, शहीद बलिदानी, तिजोरी धन रखने की अलमारी, भूमिका अदा करना किरदार निभाना, बर्बर जंगली या क्रूर, सुलूक व्यवहार, संवाद सूचना, समर्पित न्योछावर, अर्पित प्रस्तुत, गिरफ्तार कैद या बंधक बनाना, वतन देश कौम जाति, इंसाफ न्याय, श्रद्धापूर्वक आदर के साथ, उज्जवल चमकीला, सशस्त्र हथियारों से लैस, तमन्ना इच्छा, निर्दयी बेरहम, नियते शस्त्रहीन। तो इसके साथ भी जो आपको कार्य दिया जा रहा है वह सुंदर लिखावट में कक्षा कार्य पुस्तिका जो है उसमें पूर्ण करना है और पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद। पाठ 7 शहीद के अति लघु प्रश्न भी साथ में दिए हैं जिसको आपको पूर्ण करने हैं। तो है इस पाठ में किसने किसको पत्र लिखे हैं, तो उत्तर हमें देना है कि इस पाठ में रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ को और अशफाकउल्लाह खां ने अपने देशवासियों को पत्र लिखे हैं। तो है पत्र के अनुसार रामप्रसाद बिस्मिल जी की क्या इच्छा थी, उत्तर हम लिखेंगे रामप्रसाद बिस्मिल जी की इच्छा थी कि वह एक बार अपनी माता की सेवा कर अपना जीवन सफल बनाए। वो ये चाह रहे थे कि जो अपनी माता है, क्योंकि उन्होंने भारत माँ के लिए तो प्राण न्योछावर करने के लिए सोच लिया था, लेकिन अपनी माँ से मिलकर जीवन सफल बनाना चाह रहे थे।